सो हेलो दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सभी के। मैं हूं आप सभी का दोस्त एंड होस्ट साहिल कपूर। तो दोस्तों, वीडियो के थंबनेल एंड टाइटल को देखने के बाद आप सभी को पता लग गया होगा कि आज की इस वीडियो में हम या फिर मैं बैटल करवाने जा रहा हूं इंडियन सुपर हीरोज जो कि हमें मूवीज में देखने को मिले हैं, एंड इंडियन सुपर हीरोज जो कि हमें टीवी शोज में देखने को मिले हैं, एंड इंडियन सुपर हीरोज जो कि हमें कॉमिक्स में देखने को मिले हैं, इन सभी के बीच में। यस यार, आज की वीडियो इंडियन सुपर हीरोज फैन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि यार आज की इस वीडियो में हम सारे के सारे जो हमें इंडियन सुपर हीरोज दिखाए गए हैं उन सभी का आपस में महाघमासान करवाने जा रहे हैं। तो यस यार, अगर आप एक डाई हार्ट इंडियन सुपर हीरो फैन हो तो भाई वीडियो में एंड तक तो बने रहना बनता है। एंड इस टॉपिक के ऊपर मुझे काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी, तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर एक सेपरेट वीडियो लाई जाए। सो नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स बिगिन। कैन आई बी योर सुपर हीरो। दोस्तों, हमेशा की तरह वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, एक छोटी सी विनती, एक छोटी सी गुजारिश है भाई, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना यार। इतनी इंटरेस्टिंग वीडियोस लाता रहता हूं मैं आप सभी के लिए, तो यार प्लीज इतना तो कर ही सकते हो तो कर देना। सो नाउ अब शुरू करते हैं आज की हमारी फर्स्ट बैटल से, जो कि होने वाली है क्रिश वर्सेज हीरो, बढ़ती ही शक्ति है वर्सेज परमाणु के बीच में। तो यार देखो, जो अपना क्रिश हीरो एंड परमाणु है, फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम बात करें इनकी स्ट्रेंथ की, तो यार देखो स्ट्रेंथ के मामले में ये तीनों ही काफ़ी अच्छे खासे हैं, बट यहाँ पर स्ट्रेंथ के मामले में मुझे जो लगता है वो है कि क्रिश हीरो को बीट कर जाएगा, बट परमाणु क्रिश को बीट कर सकता है। बट यहाँ पर देखो, परमाणु की स्ट्रेंथ का उतना ज़्यादा हमें दिखाया नहीं गया है कॉमिक्स में, बट अगर हम डीपली देखें कॉमिक्स में, तो यार कॉमिक्स में परमाणु ने कई सारी हैवी चीज़ों को लेफ्ट किया है, कई सारे ऐसे ज़्यादा काम किए हैं जो कि क्रिश में किश की मूवी में जो हमें दिखाया गया है उसके सीन्स, यानी कि वो बिल्डिंग को उठाने वाला सीन्स, उसके मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा है। तो यार यहाँ पर मुझे स्ट्रेंथ कराउंड देना पड़ेगा परमाणु को। बट वहीं अगर मैं बात करूँ इन तीनों की स्पीड की, तो यार देखो स्पीड के मामले में भी यहाँ पर जो परमाणु है वो बाजी मार लेता है, क्योंकि यार जो परमाणु है उसकी स्पीड इन दोनों के मुकाबले में कई गुना ज़्यादा है, और अपने परमाणु सूट की वजह से उसे इतनी ज़्यादा स्पीड मिल जाती है कि वो इन दोनों को आसानी से स्पीड के मामले में बीट कर जाए। बट वहीं अगर मैं बात करूँ ड्यूरेबिलिटी की, तो यार ड्यूरेबिलिटी में जो हीरो है उसकी ड्यूरेबिलिटी मुझे थोड़ी ज़्यादा लगती है, बट क्रिश की ड्यूरेबिलिटी जाहिर सी बात है कि उतनी नहीं है, एंड जो परमाणु है उसकी ड्यूरेबिलिटी का लेवल भी काफ़ी ज़्यादा है, बट यार उसका शरीर उतना भी ज़्यादा ड्यूरेबल नहीं है। बट यहाँ पर जिसकी ड्यूरेबिलिटी मुझे सबसे ज़्यादा लगती है वो मेरे विचार से है हीरो। बट यार अगर मैं इस कंक्लूजन की बात करूँ, तो यार देखो जो जीतेगा, जो विनर होगा इन तीनों की बैटल में, वो होगा अपना परमाणु, क्योंकि यार जाहिर सी बात है टीवी शोज एंड मूवीज़ के मुकाबले में कॉमिक्स में किसी भी कैरेक्टर या फिर सुपर हीरो को ज़्यादा एक्सप्लोर किया जाता है, तो कॉमिक्स में परमाणु की काफ़ी ज़्यादा ऐसी थीट्स है जिनके चलते मैं यहाँ पर बात करूँ तो परमाणु बाजी मार जाएगा। बट अगर वहीं मैं बात करूँ अपनी नेक्स्ट बैटल की, जो कि होने वाली है फ्लाइंग जेट वर्सेस हीरो, गायब मोड ऑन वाला, यस गायब मोड ऑन, जो कि हमें सब टीम में देखने को मिलता है, वर्सेस सुपर कमांडो ध्रुव के बीच में। तो यार देखो ये बैटल काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी, क्योंकि यार ये जो तीनों ही सुपर हीरोज़ हैं, इन तीनों ही सुपर हीरोज़ का नेचर एक फ्रेंडली नेबरहुड टाइप का नेचर है, काफ़ी ज़्यादा पसंद है ये तीनों ही सुपर हीरोज़ लोगों को। बट अगर सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर मैं बात करूँ यहाँ पर स्ट्रेंथ की, तो यार स्ट्रेंथ के मामले में मुझे इन तीनों में से अगर पॉइंट देना हो तो यार मैं देना चाहूँगा फ्लाइंग जेट को। एंड अगर बात करूँ मैं स्पीड की, तो यार स्पीड का पॉइंट भी आराम से, स्पीड के पॉइंट में जो दो सुपर हीरोज़ है यानी कि फ्लाइंग जेट एंड हीरो गायब ऑन मोड, इन दोनों में काफ़ी ज़्यादा क्लैश है। बट यार फ्लाइंग जेट की स्पीड मुझे यहाँ पर भी ज़्यादा लगती है, और अगर बात करूँ सुपर कमांडो ध्रुव की, तो यार वो जाहिर सी बात है कि नॉर्मल ह्यूमन है, उसके पास उतनी ज़्यादा पावर्स भी नहीं है, तो इसी वजह से यहाँ पर स्पीड का राउंड जाएगा फ्लाइंग जेट को। अगर मैं यहाँ पर बात करता हूँ एट द एंड ड्यूरेबिलिटी की, तो यार जो ये दोनों तीनों कैरेक्टर हैं इनके पास हीलिंग की पावर्स तो है, बट उनकी कुछ अपने आप में कुछ लिमिटेशन है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ सुपर कमांडो ध्रुव की, तो यार उसकी हीलिंग ह्यूमन के बराबर की है, यानी कि वो बहुत धीरे हील करता है। वहीं बात करूँ मैं हीरो गायब ऑन मोड की, उसकी हीलिंग भी उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है। बट वहीं बात करूँ मैं फ्लाइंग जेट की, तो फ्लाइंग जेट की हीलिंग काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग तो है, काफ़ी ज़्यादा जल्दी हील कर जाता है, बट अगर उसके आसपास थोड़ा ज़्यादा प्रदूषण हो तो वो उतना ज़्यादा हील नहीं कर पाता। बट एट दी एंड ड्यूरेबिलिटी का राउंड यहाँ पर जाएगा फ्लाइंग जेट को, तो हर महीने में यहाँ पर फ्लाइंग जेट बाजी मार जाता है, तो इसी वजह से ये पॉइंट जाता है फ्लाइंग जेट भाई साहब को। अब जो नेक्स्ट बैटल है वो होने वाली है रोबोट एंड जीवन वर्सेज यारो का टशन, और जूनियर जी वर्सेज अडीक
और भेड़िया के बीच में। तो यार देख लो, पहले मैं बता देता हूँ कि जो ये बैटल होगी इसको मैं स्ट्रेंथ स्पीड एंड ड्यूरेबिलिटी के बेसिस पर नहीं बताऊंगा, इसको मैं सिंपली एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि यार अगर मैं स्ट्रेंथ स्पीड एंड ड्यूरेबिलिटी के मामले में अब इनको एक्सप्लेन करने बैठ गया तो यार वीडियो बहुत लंबी बन जाएगी, तो सीधा इसको एक्सप्लेन करते हैं। तो यार देखो, जो रोबोट एंड जीवन है वो दोनों ही एक एआई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, ना वो कोई जीव है ना वो कोई जंतु है, एंड साथ ही में ना वो कोई ह्यूमन है। तो यार फाइट में उनके पास ये काफ़ी बड़ी एडवांटेज है। प्लस जो यहाँ पर यारो का टेशन एंड जूनियर जी है, यारो का टेशन साइज बात की जो यारो है वो यारो के टेशन से बिलोंग करता है, एक नाटक लगता था, एक टीवी सीरियल था, अगर आपको नहीं पता हो सब टीवी से लगता था। तो यार ये भी एक एआई है, एक ह्यूमन एंड्रो ह्यूमनाइड रोबोट है, बट यार जो यारो है वो उतना भी ज़्यादा पावरफुल नहीं है जितने रोबोट एंड जीवन। तो यारो को यहाँ पर हम इस लिस्ट से कट ही कर देते हैं क्योंकि वो हार चुका है ये समझ लो। एंड जूनियर जी वैसे भी इसके लिए एक बच्चा है, मुझे यहाँ पर नहीं लगता कि जूनियर जी भी इनको बीट कर पाएगा। तो जो यारो एंड जूनियर जी है वो यहाँ पर नॉकआउट हो चुके हैं, बट यहाँ पर बात करूँ मैं अडीक एंड भेड़िया की, तो यार ये दोनों काफ़ी ज़्यादा पावरफुल कैरेक्टर्स है, काफ़ी ज़्यादा पावरफुल एंड मोस्ट स्ट्रॉन्ग सुपर हीरो या फिर एंटी सुपर हीरो। अगर मैं बात करूँ कि कॉमिक्स की फील्ड की तो वो कई गुना ज़्यादा है, बट यार देखो इन माय ओपिनियन यहाँ पर जो रोबोट एंड जीवन है वो अडीक और भेड़िया को बीट कर सकते हैं, क्योंकि यार रोबोट अपनी खुद की आर्मी क्रिएट कर सकता है जिसकी मदद से वो अडीक और भेड़िया पर काफ़ी हद तक हावी पड़ सकते हैं। वहीं जो जीवन है उसके पास कई सारी ऐसी अनदर एडवांटेज है जिसकी मदद से वो भेड़िया एंड अडीक को आराम से निपटा दे। मे बी वो भेड़िया एंड अडीक को एक अकेला तो बीट नहीं कर पाएगा, बट जब रोबोट एंड जीवन साथ में मिल जाएंगे एक बहुत बड़ी पावर क्रिएट हो जाएगी भाई इन दोनों की, तो ये दोनों साथ मिलकर अडीक एंड भेड़िया को बीट कर सकते हैं इन माय ओपिनियन। बट आपका ओपिनियन कुछ अलग हो सकता है, जाहिर सी बात है, तो आप कमेंट बॉक्स में कर देना, लिख देना अपना ओपिनियन कि इन दोनों में से कौन जीतेगा। सो अब बढ़ते हैं नेक्स्ट बैटल की ओर, जो कि होने वाली है सुपर सिंह वर्सेज कर्मा और महारक्षक आर्यन वर्सेज शक्ति और देवी के बीच में। तो भाई सुपर सिंह के बारे में मैंने अपनी पिछली वीडियो जो आई थी सुपर सिंह वर्सेस क्रिश वर्सेस फ्लाइंग जेट उसमें एक्सप्लेन किया था, तो मैं यहाँ पर ज़्यादा डिटेल में एक्सप्लेन नहीं करूँगा। बट वहीं जो शक्ति एंड देवी है, तो यार देखो ये दोनों एक माइथोलॉजिकल कैरेक्टर है, बट जो शक्ति है उसको तो लिटरल में पावर मिली है देवी महाकाली से, तो वो कितनी ज़्यादा स्ट्रांग होगी ये तो आप सभी को पता ही है, इसमें मुझे एक्सप्लेन करने की कोई भी जरूरत नहीं है। एंड साथ ही में जो देवी है वो ग्राफिक इंडिया की एक मोस्ट पावरफुल एंड पॉपुलर फीमेल सुपर हीरोइन है, एंड साथ ही में वो एक एंशियंट वॉरियर है जिसकी वजह से उसके पास ऐसी कई सारी पौराणिक महागाथाओं की दिव्य शक्तियाँ हैं जिसके सामने इन सुपर हीरोज की कोई औकात ही नहीं है भाई, लिटरली में कोई औकात नहीं है। एंड साथ ही में अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर कर्मा की, तो कर्मा को भूल जाओ, उसको ये आराम से बीट कर देंगे। बट जो महारक्षक आर्यन है भाई, उसको बीट करते करते इनको थोड़ा टाइम तो लगेगा, बट एट द एंड ये उसको भी बीट कर जाएंगे। तो अब जो मुकाबला होगा वो होगा सुपर सिंह वर्सेस शक्ति और देवी के बीच में, जो कि काफ़ी ज़्यादा घमासान होगा। एंड जिसको डाउट है कि सुपर सिंह क्या कर्मा और महारक्षक आर्यन को बीट कर पाएगा, तो भाई जाहिर सी बात है सुपर सिंह इन दोनों को नॉकआउट कर देगा। बट अगर बात करें हम सुपर सिंह वर्सेस शक्ति और देवी की, तो यार देखो शक्ति और देवी अकेले तो इसको नहीं बीट कर पाएगी, बट जब ये दोनों साथ मिलकर इस पर अटैक करेगी तो सुपर सिंह के एल लग जाएंगे, तो जाहिर सी बात है यहाँ पर पहुँच जाता है शक्ति और देवी को। बट अब देखो यार, अब हम बढ़ने गए अपनी आज की इस लास्ट बैटल की ओर, जो कि सबसे ज़्यादा मोस्ट डिमांडेबल बैटल होने वाली है, क्योंकि देखो भाइयों ये बैटल होने जा रही है शक्तिमान वर्सेस पालवीर वर्सेस नागराज के बीच में। मतलब यार देखो, शक्तिमान जो कि मोस्ट पावरफुल सुपर हीरोज है, जो कि अभी तक हमें इंडियन सुपर हीरोज मूवीज में देखने को मिला है। अब आप में से कुछ लोग शायद सोचेंगे कि शक्तिमान पर मूवी कब आई, तो भाई देखो शक्तिमान पर मूवी आ चुकी है, भले ही वो बड़े पर्दे यानी कि सिनेमा पर रिलीज ना हुई हो, बट टीवी पर आ चुकी है उसके ऊपर मूवी, तो इसी वजह से मैंने इसको यहाँ पर कंसिडर किया। एंड साथ ही में जो बालवीर है वो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एंड पॉपुलर सुपर हीरो है इंडियन टीवी शोज का। एंड जो नागराज है भाई, उसने कॉमिक्स में कितने बड़े बड़े फीट्स लिए हैं इसके बारे में बताने की मुझे कोई भी जरूरत नहीं है। एंड इससे जाहिर सी बात, साफ सी बात है कि इससे पता चलता है कि वो कॉमिक्स ऑफ वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल सुपर हीरो है इंडिया का। तो यार ये बैटल आज की हमारी मल्टीएस्ट बैटल होने वाली है, तो भाई देखो आगे क्या क्या होता है। तो यार देखो, अगर आप मुझसे पूछोगे तो यार मैं अगर शॉर्ट में इस वीडियो का आंसर बताऊँ, क्योंकि यार अगर लॉन्ग में चला गया तो वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी बन जाएगी, फिर आपको मज़ा नहीं आएगा। तो शॉर्ट में इस बैटल का आंसर होगा शक्तिमान, हमेशा की तरह मेरा आंसर होगा शक्तिमान, क्योंकि यार देखो शक्तिमान इंडिया का सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्गेस्ट एंड पावरफुल एंड पॉपुलर सुपर हीरो है, इसमें कोई दो राय नहीं है, इसलिए वो इन दोनों को बीट कर देगा आसानी से। नहीं, जो शक्तिमान है वो बालवीर को कुछ टाइम में
यानी कि कुछ मिनटों में या फिर कुछ घंटों में बीट कर देगा। बट जब वो भिड़ेगा नागराज के साथ में, भाई साहब जब वो भिड़ेगा नागराज के साथ में, तो यार इन दोनों की बैटल काफी लगभग आसान होने वाली है। भाई इनकी बैटल एक दो दिन नहीं भाई, 4-5 दिन या हफ्तों चल सकती है। मतलब इन दोनों के पास इतनी सारी पावर्स है, अगर ये अपने फुल फॉर्म में आके फाइट करेंगे भाई, तो जिस जगह ये फाइट कर रहे होंगे वो पूरी जगह डिस्ट्रॉय हो जाएगी। इनकी फाइट का कभी कोई रिजल्ट ही नहीं आएगा। बट एट द एंड अकॉर्डिंग टू मी, मुझे यहाँ पर लगता है कि जो शक्तिमान है उसके 10-20% ज़्यादा चांसेस हैं नागराज से जीतने के। बट फिर भी अगर आपको कोई डाउट है तो यार आप इस बैटल का आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में बताना। और अगर आपको लगता है कि जो बालवीर है वो नागराज को बीट कर पाएगा, तो ये भाई आपकी गलतफहमी है, क्योंकि बालवीर के पास काफ़ी सारी शक्ति है, मैं इस बात से एग्री करता हूँ। बट इतनी भी नहीं है कि वो नागराज को बीट कर पाए, नहीं भाई इतनी नहीं है। सो मेरे हिसाब से इस बैटल को तो शक्तिमान जीतेगा। बट अगर आपको अपना ओपिनियन बताना है तो भाई कमेंट बॉक्स आप सभी के लिए हमेशा एक तरह खुला है, वहाँ पर कमेंट कर देना। एंड हाँ, पॉजिटिव कमेंट करना, अच्छा कमेंट करना, लॉजिकल कमेंट करना, ऐसा मत बोलना भाई बेकार वीडियो है। मतलब उस हिसाब से तो तुम्हारा कमेंट बेकार है, क्योंकि तुमने बेकार वीडियो का कोई रीज़न ही नहीं बताया। तुमने ये थोड़ा बताया कि इस वीडियो में ये बेकार है, तुमने बेकार लिख दिया तो उसका कोई फायदा नहीं होता है, इस हिसाब से तुम्हारा कमेंट बेकार है। तो भाई कुछ लॉजिकल कमेंट रखो नीचे कमेंट में, कमेंट बॉक्स में कुछ ऐसा लॉजिकल कमेंट बताओ जिससे आपके कमेंट की सार्थकता व्यक्त हो। सो अब बढ़ते हैं अपने स्कोर बोर्ड की तरफ एंड जानते हैं आज के इस बैटल का रिजल्ट। तो देखो यार, जो अपने इंडियन सुपर हीरोज मूवीज़ वाले हैं उन्होंने गेन किए हैं 3 पॉइंट्स, बट वहीं जो अपने इंडियन सुपर हीरोज टीवी शोज वाले हैं उन्होंने गेन किए हैं 0। यस ब्रो, 0 बटा सन्नाटा 0 पॉइंट्स। बट वहीं जो अपने इंडियन सुपर हीरोज फ्रॉम कॉमिक्स हैं उन्होंने गेन किया 2 पॉइंट्स, काफ़ी कड़ी टक्कर दी इन्होंने। बट एट द एंड जो अपने इंडियन सुपर हीरोज मूवीज वाले थे वो जीत चुके हैं, यानी कि अपने इंडियन सुपर हीरोज फ्रॉम मूवीज वो आज के हमारे इस घमासान महाबैटल को जीत चुके हैं एंड इस बात को बता चुके हैं कि जो इंडियन सुपर हीरोज हमें मूवीज में देखने को मिले हैं वो बीट कर सकते हैं इन सभी को, जो बाकी इंडियन सुपर हीरोज हैं अगर वो साथ मिलकर एक टीम बन जाए तो ही। बट फिर से मैं कहना चाहूँगा कि यार ये तो सिर्फ मेरा ओपिनियन था, आप बुरा मत मानना, आपका ओपिनियन कुछ अलग हो सकता है, जाहिर सी बात है, तो आप कमेंट कर देना। एंड बाकी तो यार बस, वीडियो को एंड करने से पहले एक छोटी सी गुजारिश है, इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा देना एंड हो सके तो वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना। कमेंट के बारे में बता दिया, अगर आपको करना हो आपका मन हो तो कर देना। एंड वीडियो को डिसलाइक करने से आपका कोई फायदा नहीं होगा, उल्टा मेरी रीच बजेगी। तो भाई देख लो आपको क्या करना है, आप कमेंट करो, लॉजिकल कमेंट करो, कुछ ऐसा कमेंट जो आपकी भावनाओं या फिर आपका जो पॉइंट है उसकी सार्थकता को व्यक्त करें मेरे सामने। तो बस यार, आज की इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद है तो जैसा हमने कहा वैसा कर देना, लाइक वगैरह वगैरह, आप बार बार नहीं बोलूंगा। सो तब तक बैठ गए, बाय बाय, किसी नए टॉपिक का सजेस्ट देना तो कमेंट बॉक्स आपके लिए खुला है। तब तक एक बात याद रखना, हमें दिमाग सुबह उसके फिर मिलेंगे, जल्दी जल्दी बैठ गए, बाय बाय।